नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि मुझे एक बंदे ने व्हाट्सएप मैसेज किया है कि सर, आप इतना इंसिस्ट क्यों करते हो अच्छे वास्तु पे, हेल्थ वेल्थ विजडम के लिए? आप इतना स्किल्स पे क्यों, कॉरपोरेट स्किल्स पे क्यों इंसिस्ट करते हो? ये बंदा मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है। तो मैंने कहा किसके लिए क्यों नहीं करूं, अच्छी चीज़ है ना। मैं तुम्हें दारू पीने के लिए तो नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें जुआ खेलने के लिए तो नहीं बोल रहा, कोई बुरा काम करने के लिए तो नहीं बोल रहा ना, अच्छा काम करने के लिए बोल रहा हूँ जिससे तुम और ज़्यादा हेल्थी वेल्थी और वाइज बनोगे, दोनों तीनों ट्रिनिटी को अचीव करोगे जीवन में, और इस लायक हो जाओगे कि तुम दान भी दे सको। तो बोला हाँ सर, ये बात तो सही है। तो मैंने कहा ये बात सही है तो फॉलो करो। और मेरे वीडियोस जो हैं वो ये उन लोगों को कन्विंस करने के लिए नहीं है जो वास्तु को नहीं मानते, या जो स्किल्स को नहीं मानते, या जो कैरेक्टर को नहीं मानते, या जो पर्सनालिटी को कुछ वैल्यू नहीं देते। खुद ही को गालियाँ देते रहते हैं, दूसरों को तो देते हैं, खुद को भी गालियाँ देते हैं। सुबह उठते ही देते हैं, सोते सोते वक्त देते हैं, नींद में भी देते हैं, सपने में भी देते हैं। मेरा इंसिस्टेंस उन लोगों के लिए है जो जीवन में सुधार चाहते हैं, और जो लोग कोई सुधार नहीं चाहते, मैं माफ़ करना, मेरा उनके प्रति कोई आग्रह है ही नहीं। कर्म बंधन से जुड़े हुए हैं लोग। आप कितना ही कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जिसका जो प्रारब्ध है वो उसको उपलब्ध होगा। जन्मों जन्मों की यात्रा है, धक्के खाते हुए आए हैं और धक्के खाते हुए जाएंगे, धक्के खाते हुए आए हैं, धक्के खाते हुए जाएंगे। बस ये है कि जहाँ हाथ कटना होगा वहाँ मैं चाहता हूँ कि उंगली कट जाए, हाथ पूरा नहीं कटे, पैर पूरा नहीं कटे, बस मेरा इतना से इंसिस्टेंस है। ये बात समझ में आती है तो बोलने से ही समझ में आ जाती है कुछ लोगों को। ये कौन लोग हैं कि जिनका मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, ठीक है, और साइकोलॉजिकल लेवल, जो 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 साइकी से जिससे हम सोचते हैं, जिस लेवल से हम सोचना शुरू करते हैं, वो उन्नत होता है। उन्नत मतलब बेटर होता है, एवरेज से ऊपर होता है। वो ही मेरी बात समझ पाएगा और वो ही मेरी बात फॉलो भी करेगा, और मुझे एज अ ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर हायर करेगा, और एज अ वास्तु कंसल्टेंट हायर करेगा। मैं उन लोगों को कभी कन्विंस नहीं करना चाहता कि जो लोग पीड़ित तो हैं, लेकिन पीड़ा में ही उनको मज़ा आ रही है, पीड़ा में उनको मज़ा आ रहा है, और वो उसी हाल में रहेंगे। पैसे वाले भी बहुत देखे मैंने, पावरफुल लोग भी बहुत देखे, बहाने पकड़ते हैं, बहाने पकड़ते हैं अपनी उस स्थिति में सड़ने को, पड़े रहने को। उन लोगों के लिए मेरे वीडियो कभी नहीं है। मेरे वीडियो उन लोगों के लिए हैं कि जो अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, जो इतने अब जागरूक हो चुके हैं कि वो अपना जो प्रारब्ध से जो पैटर्न चला आ रहा है उनका, उसको तोड़ना चाहते हैं। मेरा वीडियो उन लोगों के लिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड का मतलब है, मैं समझता हूँ कि आपका प्रारब्ध इतना भारी नहीं है कि आप इसको, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर प्रारब्ध भारी है तो आप मेरे अभी तक के ये 2 मिनट की बात नहीं समझोगे, ऊपर से निकली होगी आपके। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू इसलिए बोलता हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। बाय।